गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आगे वाले वीडियो में हमने प्रथम पाठ पढ़ा था, आज हम संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है संयुक्त वर्णाह। पिछले पाठ में आपने जाना कि शब्द वर्णों से बनते हैं, मीन्स कि लेटर। कुछ शब्दों में दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है। पाठ में हम ऐसे वर्णों को जानेंगे। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, क, इसे क्या कहेंगे? हलंत। क के नीचे जो छोटी लकड़ी जैसा है ना, उसे क्या कहेंगे? हलंत। क प्लस श प्लस अ इक्वल टू क्ष, और क्ष से कौन से वर्ड बनते हैं? वृक्ष, क्षीण, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष। उसी तरह त, यानी कि एक व्यंजन है, प्लस र, ये भी एक व्यंजन है, प्लस अ मतलब कि स्वर, यानी कि दो वर्णों और तीसरा स्वर जब मिलता है तब क्या बनता है? संयुक्त वर्ण। यहाँ पे त प्लस र प्लस अ इक्वल टू ट्र, और ट्र से कौन से शब्द बनते हैं? त्रस्ट, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु। उसी तरह ज प्लस अ इक्वल टू ज्ञ, उससे कौन से वर्ड्स बनते हैं? ज्ञान, संज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान। श प्लस र प्लस अ इक्वल टू श्र, तो कौन से शब्द बनेंगे श्र से? श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण। आगे द प्लस य प्लस अ इक्वल टू द्य, तो कौन से वर्ड बनेंगे? विद्या, उद्यम, द्युति, द्यो, यद्यपि। द प्लस अ इक्वल टू द्व, तो उससे कौन से शब्द बनेंगे? योद्धा, क्रुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, श्रद्धा। द प्लस व प्लस अ इक्वल टू द्व, विद्वान, द्वार, दीप, द्वेष, द्वितीय, ऐसे शब्द बनेंगे। जब भी दो व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो संयुक्त वर्ण बनते हैं। अभी हम आगे वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद, प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब कि सारे जो वर्ण होते हैं उसको हमें अलग अलग करना है और उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी से वह शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि कहलाता है। अंत में यदि व्यंजन हो तो शब्द व्यंजनात या हलंत कहलाता है। जैसे कि कनक, क, लेकिन क के नीचे हलंत है, मतलब कि क अधूरा है, उसके साथ अ स्वर मिलाना है, उसके साथ न, लेकिन उसके नीचे हलंत है इसलिए अधूरा है, इसलिए उसके साथ अ जोड़ेंगे तो पूरा ये न पूरा हो जाएगा, और क आधा और प्लस अ, मतलब कि क अ न अ क अ। आपने प्रोनाउंसिएशन सुना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड कौन सा है, कनक। अकारांत, कनक वर्ड कौन सा है? अकारांत, क्योंकि उसमें अ की मात्रा लगी हुई है। सरिता, स प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो कौन सा वर्ड बनता है? सरिता, और वो आकारांत है। यहाँ पर ये देखिए आ की मात्रा लगी हुई है ना, इसलिए ये आकारांत हुआ। पति, प प्लस अ प्लस त प्लस ई, इसलिए इकारांत। नदी, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, मतलब कि इकारांत। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है, और ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। पशु, प प्लस अ प्लस श प्लस ऊ, उकारांत। वधु, व प्लस अ प्लस द प्लस ऊ, मतलब कि उकारांत। दातृ, द प्लस आ प्लस त प्लस रु, रुकारांत। हस्तिन, ह प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस ई प्लस न, उसे क्या कहेंगे? व्यंजनात और हलंत। अभी आगे देखेंगे।
वर्ण संयोजनम, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे आगे हमने देखा कि वर्ण विच्छेद, मतलब कि पूरा जो शब्द दिया है उसको वर्णों में अलग अलग करना है। अभी यहाँ पर सारे वर्ण दिए हैं और इन सबको मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे उ और द, मतलब कि उ प्लस आ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस अण प्लस अ, तो ये सारे वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द हुआ? उदाहरण उ में सिर्फ ये स्वर है इसलिए यहाँ पर सिर्फ उ लिखा है। दा द प्लस आ की मात्रा है इसलिए द प्लस आ की मात्रा। ह, तो यहाँ पर हलंत वाला ह और अ यानी कि पूरा ह यहाँ पर आया है। और र यानी कि र प्लस अ यानी कि ये पूरा र, और अण प्लस अ मतलब कि ये अण। उदाहरण, ऐसे शब्द बनता है। निर्मित, तो न प्लस ई, ये न प्लस ई हो गया। फिर र प्लस म प्लस ई निर्मी प्लस त प्लस अ निर्मित। श अ, अब आधा ब यहाँ पर दिया गया इसलिए आपको सिर्फ हलंत वाला आधा ब ही लिखना है, इसमें आप अ ऐड नहीं कर सकते हो। तो श प्लस अ प्लस ब प्लस द प्लस अ मतलब कि शब्द। प प्लस उ मतलब कि पू, आधा ये आधा स है तो यहाँ पर ये आधा इस तरह का स हो जाएगा। फिर त, तो त में त और अ यानी कि पूरा बना देंगे हम त को। और क, क तो क प्लस स्वर प्लस म, ये हलंत वाला म है तो यहाँ पर सिर्फ हलंत वाला म ही लग गया, उसमें अ ऐड नहीं होगा। भ उ प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस ई भूपति। ल ए मतलब ल को एक ही मात्रा ले। ख प्लस अ मतलब कि सिर्फ ख प्लस न प्लस ई मतलब कि लेखिनी। मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया है कि वर्ण संयोजन कैसे करना है और वर्ण विच्छेद कैसे करना है। धन्यवाद।